गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा की बुक का 10वां लेसन मतलब दशमह पाठ, कृष्णा कर्म विधा। कृष्णा कर्म विधा मतलब इसमें पूरे लेसन में पूरे श्लोक में ये बताया गया है कि किसानों की कर्म किसान के कर्मवीर के बारे में बताया गया है, कर्मवीरता के बारे में बताया है कि वे किस प्रकार से चाहे धूप हो ठंड हो बरसात हो उसमें किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट सूर्यस्त पतु मेघा वा वर्षंतु विपुलम जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठ। सूर्य कितना ही क्यों न तपाए, सूर्य कितना ही क्यों न तपाए अर्थात कितनी ही गर्मी क्यों न पड़े, बादल कितना ही जल क्यों न बरसाए, सर्दी की ऋतु में किसान और उसकी पत्नी हमेशा पूरी मेहनत के साथ खेत के कार्य में लगे रहते हैं। देखो सूर्यास्त पतु मेघा मीन्स क्या हो जाएगा, सूर्य कितना ही क्यों न तपाए मतलब सूर्य कितनी ही गर्मी क्यों न पड़े, वर्षंतु विपुलम जलम बादल, वर्षंतु में बादल कितना ही बरसात कितनी ही बरसात क्यों न करे, कृषिका कृषिको नित्यम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठम। तो सर्दी की ऋतु में ठीक है ना, देखो तो सर्दी की ऋतु में किसान और उसकी पत्नी हमेशा मेहनत के साथ खेत में काम में लगे रहते हैं। फिर है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौतु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम मतलब क्या हो जाएगा, शरीर में उनके पास में जो है वो शरीर गर्मी में शरीर किससे भरा होता है, पसीने से भरा होता है, है ना, और ठंड के दिनों में शरीर जो क्या होता है कांपते रहता है, तो गर्मी में भी और ठंड के दिनों में भी। हलिन च कुदालिन च तौतु क्षेत्राणि कर्षतः, तो गर्मी के दिनों में भी और ठंड के दिनों में भी वे दोनों हमेशा हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। फिर है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठते। पादयोर्न पदत्राणे मतलब पैरों में उनके पास में क्या नहीं है, जूते नहीं है, और शरीर में पहनने के लिए उनके पास में वस्त्र भी नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम निर्धन का जीवन हमेशा बिताते हैं, इस कौन सा जीवन बिताते हैं हमेशा, निर्धन निर्धन मीन्स गरीबी का जीवन हमेशा बिताते हैं, गरीबी एवं कष्टमय जीवनम कष्टम बोला गया है ना, निर्धनम जीवनम कष्टम तो गरीबी का एवं कष्टमय जीवन बिताते हैं। सुखे दूरे ही तिष्ठति सुख तो उनके कोसों दूर है मतलब सुख तो उनके पास एक मतलब सुख तो हमेशा उनसे दूर ही रहता है, कोसों दूर मतलब सुख हमेशा उनसे दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि वारयितुं क्षमम तथापि कर्म वीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। देखो गृहम जीर्णम न वर्षासु मतलब वर्षा के समय जब बारिश का पानी उनके घर के अंदर चला जाता है, क्या बोला है देखो, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि वारयितुं क्षमम मतलब जब वर्षा आती है तो वर्षा के समय जो पानी आता है खेतों में गांव में तो हमेशा पानी भर जाता है, तो वह पानी जब उनके घर में चला जाता है तो वह पानी उस पानी को वो रोकने में समर्थ नहीं होते, उस पानी को घर में आने से वे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो अपने घरों को मजबूत कर सके। तो यही हो जाएगा कि वर्षा के समय बारिश का पानी घर के अंदर आने से रोकने में वे समर्थ नहीं है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणां न नश्यति फिर भी उनकी कर्मनिष्ठा नहीं होती अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं, फिर भी वे हमेशा कृषि के कार्य में लगे रहते हैं।
ठीक है। फिर है तयोश्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका होता। तयो तयो मीन्स क्या होता है, उन दोनों दो दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, किसान और किसान की पत्नी दोनों के बात में के बारे में बात कर रहे हैं। तो तयो तयो मीन्स क्या हो जाएगा, उन दोनों किसान तथा उसकी पत्नी, उन दोनों के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं, दिया है ना। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उन दोनों के परिश्रम से खेत सदा किससे भर जाते हैं, फसलों से भर जाते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृत्ता, धरती जो धरती पहले कैसी थी, सूखी व कांटों से भरी हुई थी, अब उनकी मेहनत से वही धरती जो है वो कैसी हो गई है, हरी भरी हो जाती है। फिर है शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्र जन पालकौ। क्या हो जाएगा, किसान सभी को सब्जी अन्न फल आदि देते हैं। सर्वेभ्य बोला है ना, तो सर्वेभ्य में क्या हो जाएगा, सभी को। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, मतलब किसान सभी को सब्जी अन्न फल इत्यादि देते हैं। क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्र जन पालको, किंतु वे एक ऐसे जन पालक है जो कि खुद स्वभूख एवं प्यास से बेचैन रहते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किंतु भूख प्यास से वे हमेशा बेचैन रहते हैं, वे दोनों एक अनोखे जन पालक हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, तपतु, तपतु मीन्स क्या हो जाएगा, तपाए एवं जलाए। विपुलम अत्यधिक, कर्मठौ निरंतर, क्रिया सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानि कपड़े, जीर्णम पुराना, वारयितु दूर करने में, क्षमम समर्थ, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता काटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलो भूख प्यास से बेचैन। उसके बाद दिया है श्लोकान योज्य, ये आपको श्लोक दिए गए हैं, श्लोक को हमको सही क्रम में मैचिंग के रूप में जमाने हैं। देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, हलेन च कुदालेन च तौतु क्षेत्राणि कर्षतः, पादयोर्न पदत्राणि शरीरे वसनानि नो, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृत्ता। इसके बाद है आम एवं न, मतलब आम, आम मीन्स क्या होता है, हाँ, और न मीन्स नहीं, इसमें हमको हाँ अथवा नहीं लिखना है। देखिए फर्स्ट क्या है, कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवंती, तो क्या हो जाएगा, आम। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, तो क्या हो जाएगा, न। कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छति, इसका मतलब होता है कि किसान जो है वो सभी को अन्न देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आम। किसान सबको अन्न देते हैं ना, इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आम। फिर है कृषकाणां जीवनम कष्ट प्रदम न भवति, इन्होंने कहा यहाँ पर कि किसानों का जीवन जो है वो कष्टप्रद नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न, क्योंकि किसान का जो जीवन होता है वो हमेशा कष्टप्रद रहता है। फिर है कृषक क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, तो क्या हो जाएगा इसका, आम। फिर है शीते शरीरे कंपनम न भवति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, तो ये हो जाएगा आपका आम, आम मीन्स राइट। फिर है पर्यायवाची पद,
पर्यायवाची पद देखिए, इसमें ब्रैकेट में दिए गए, इसमें से छाट कर हमको इसके आंसर लिखने हैं। देखो वस्त्राणि, वस्त्राणि का क्या हो जाएगा, वस्त्राणि। सूर्यः रवि, तृषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। फिर है विलोम पद, विलोम पद में है सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा नीरसा। आगे है प्रश्न उत्तर, देखिए प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नानाम उत्तराणी, इसमें हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषका केन क्षत्राणी कर्षंती, किसान जो है वो खेती किससे करते हैं, तो किससे करते हैं किसान खेती, हल और कुदाल से, तो क्या हो जाएगा, कृषका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणी कर्षंती, किसान हल और कुदाल से खेती करते हैं। केषां विकर्म वीरत्वं न नश्यति, तो क्या हो जाएगा, कृषकाणां कर्म वीरत्वं न नश्यति। फिर है श्रमेण का सरसा भवति, श्रमेण पृथ्वी सरसा भवति या धरित्री सरसा भवति। कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं, तो क्या क्या देते हैं किसान सबको, कृषका सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम च यच्छति, किसान सभी को सब्जी अन्न और फल देते हैं। कृषका दूरे किम तिष्ठति, सुखम कृषका दूरे तिष्ठति। ओके ओके।